आज हम सीखेंगे कि अपने नए लैपटॉप या डेस्कटॉप में डिस्क पार्टीशन कैसे करें। मेरे विंडोज सी ड्राइव में टोटल स्पेस 476 GB है, उसमें से 389 GB फ्री है। हमें विंडोज सी ड्राइव के पार्टीशन क्रिएट करने हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए विंडोज सर्च बार में जाएं, वहां पे टाइप करें DISK डिस्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, इसको क्लिक करें। ये आपको सीधा डिस्क मैनेजमेंट की विंडो पे ले जाएगा। इसको फुल स्क्रीन कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे विंडोज सी ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि 476 GB टोटल स्पेस, 389 GB मेरा फ्री अप स्पेस। अब पार्टीशन क्रिएट करने के लिए विंडोज सी ड्राइव पे राइट क्लिक करें और उसके बाद श्रिंक वॉल्यूम पर जाएं। यह आपका अवेलेबल स्पेस फॉर श्रिंक के लिए कैलकुलेट करेगा। आप देख सकते हैं साइज चीज यहाँ पर MB में है, टोटल साइज बिफोर श्रिंक MB में, अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन MB में है, अमाउंट फॉर स्पेस टू श्रिंक MB में डालना है, साइज आफ्टर श्रिंक जो भी MB में हमें दिखाएगा। तो हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो MB में कैलकुलेट करना है। 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं, ठीक है। उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लें कितनी GB को आपको स्पेस क्रिएट करना है, वो MB में डालना है। जैसे मुझे 270 GB फ्री करना है और 200 GB विंडोज सी ड्राइव को देना है, उसके अनुसार मैं यहाँ पर डालूंगा फॉर 270 GB इन MB इज इक्वल टू 282624 MB। इसके बाद श्रिंक पे क्लिक करें। ये आपको सीधा आप 270 GB का एक अनएलोकेटेड मेमोरी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद राइट क्लिक करें, फिर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे हमें जो भी डाटा गिवन है वो सिंपल सेम रखना है। फिर नेक्स्ट क्लिक करें, उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट क्लिक करें, नेक्स्ट क्लिक करें। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे फिनिश क्लिक करते हैं। अब आपका नया विंडो न्यू वॉल्यूम डी क्रिएट हो चुका है। अब इसके फर्दर पार्टीशंस के लिए इस दोबारा इस पर राइट क्लिक करें, फिर सिंक वॉल्यूम पर जाएं। अब आपको जितना पार्टीशन करना है वो MB में डालें। जैसे कि मुझे 100 GB की पार्टीशंस करनी है तो मैं 100 GB के लिए यहाँ पे डाटा डालूंगा। देखिए मैं यहाँ पे 100 GB की मेरे पास अनएलोकेटेड मेमोरी आ चुकी है। फिर इस पर राइट क्लिक करें, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर जाएं, फिर नेक्स्ट क्लिक करें, फिर दोबारा नेक्स्ट, नेक्स्ट सेम प्रोसेस रिपीट करना है, नेक्स्ट, फिर फिनिश पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं हमारी न्यू वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। हमने सक्सेसफुली विंडोज सी ड्राइव के 3 पार्टीशन क्रिएट कर ली हैं। विंडोज सी ड्राइव के लिए हमने 200 GB एलोकेट कर दी है। हमारा फर्स्ट पार्टीशन 176 GB का है और सेकंड पार्टीशन 100 GB का है। यहाँ पे हमारा डाटा शो हो रहा है। ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक पे कुछ सब्सक्राइब करें और अपने क्वेरी को कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।